दिल्ली के तुगलकाबाद के इलाके में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तुगलकाबाद के झुग्गियों में लगी थी। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। इस हादसे में 1500 से ज्यादा झुग्गियां और गोडाउन जलकर खाक हो गए। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और काफी कोशिशों के बाद आग को काबू में किया जा सका। दक्षिणी दिल्ली जोन के डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर SS तुली ने कहा कि तुगलकाबाद के इलाके की आग को बुझाने के लिए करीब 30 दमकल की गाड़ियों को इलाके में भेजा गया। फिलहाल आग काबू में है। हालांकि इस आग में किसी को भी हानि नहीं पहुंची है, लेकिन काफी लोग घर से बेघर हो चुके हैं और आग लगने की वजह गैस सिलेंडर के फटने से बताई जा रही है। सुनिए डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर SS तुली ने क्या कहा है। ये झुग्गियाँ प्लस जो मटेरियल आपको सामने पीछे नज़र आ ही रहा है, और कैजुअल्टी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, बाद में जो है चेक करके बाद में बताया जा सकता है। सर, ये किस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई है? कुछ आप देख ही रहे हैं, कुछ सिलेंडर वगैरह भी फटे हैं यहाँ पर, और सारा जलने वाला ही मटेरियल है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो बचाव इन्होंने कर रखा हो। तो एग्जैक्ट तो क्या बताएंगे कि कैसे लगी आग, तो जांच का विषय है वो। तो बात कितनी सर फैट इंडेक्स अभी तक आ गई? मैं आपको बताया 30 के आसपास जो है फैट इंडेक्स आ चुका। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।